talk about evaluation of e-contents. आप सबने कितने सारे resources के बारे में जानकारी प्राप्त की. मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह सीख लिए, एटलीस्ट आपने कोशिश की सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की, उस पर कुछ एक दो स्टेप्स करने की, और कुछ नहीं तो आपको ये पता चला कि हाँ ये एक तरह का रिसोर्स है जो एजुकेशन में यूज हो सकता है और उसको हम खुद एज अ टीचर क्रिएट भी कर सकते हैं. सो जब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, हमने वी स्टार्टेड विद, इफ यू लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द प्रोग्राम, वी स्टार्टेड विद नेशनल ICT इनिशिएटिव्स. पर्पस क्या है कि हम ये बताएं कि ई कंटेंट जाएगा कहाँ पे ई कंटेंट की नीड है, हम क्यों बना रहे हैं. तो उन सब पोर्टल्स के माध्यम से, उन सब इनिशिएटिव्स के माध्यम से ये ई कंटेंट हमारे लर्नर्स तक पहुंचेगा. फिर हमने बात की थी कि ई कंटेंट होते कौन से, कितने टाइप के होते हैं, जिसमें इंदु मैम ने हमें वैरायटी ऑफ ई कंटेंट दिखाए भी और उसके बारे में हमें एक्सप्लेन भी किया कैसे उसको हम क्लासरूम सेशन में इंटीग्रेट कर सकते हैं. तो ये हो गया सेकेंड सेशन. फिर हमने बात की एक्सेसिबिलिटी की, क्योंकि आप टीचर्स हो, हर तरह के बच्चे हमारे क्लासरूम में होते हैं और हम जब ई कंटेंट बनाएं तो उसे एक्सेसिबल कंटेंट की तरह भी देखें, उतना हम कोशिश करें उसके अंदर एक्सेसिबिलिटी का जो एस्पेक्ट उसमें कवर हो सकता है वो हम जरूर करें. फिर हमने बात की ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज की. उसके दो मकसद थे, एक ई कंटेंट बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ लिटरेचर या कुछ ना कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या कुछ इमेजेस चाहिए जो हम खुद नहीं क्रिएट कर सकते, तो आपको उनको कैसे लोकेट करना है, कहाँ से मिल सकती हैं, क्या लाइसेंस का ध्यान रखना है. दूसरा एस्पेक्ट था जब आप अपना ई कंटेंट बनाएं तो उसको किसके अंडर में रिलीज करें जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक वो पहुंच सके. ठीक है, क्योंकि हमारा एम एज अ टीचर यही है कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट तक अपने कंटेंट को पहुंचाएं और वो बच्चा इन कंटेंट्स के माध्यम से पढ़ सके और सीख सके. उसके बाद का हमारा जो सेशन था वो था हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरी बोर्डिंग, उसकी नीड, उसका प्रोसेस वो हमने देखा. फिर हम आए एक्चुअल कंटेंट डेवलपमेंट पे, जिसमें हमने इंफोग्राफिक, माइंड मैप, इंटरैक्टिव, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, सब तरह के कंटेंट्स को हमने टच अप ऑन किया कॉमन सेशंस में. और जो हमारे ब्रेकआउट रूम्स में गए हम, वहाँ हमने कुछ ऐसे टूल्स देखे जो थोड़े से स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट है, पर हो सकता है कि वो किसी अन्य सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल हो सकते होंगे. तो आप उन सेशंस का भी जरूर बेनिफिट लें जो आप लोग नहीं अटेंड कर पाए थ्रू द रिकॉर्डेड सेशंस. अब जब हमने इतने सारे ई कंटेंट डेवलप कर लिए, फॉर एग्जांपल हमने ये सारा प्रोसेस फॉलो करते हुए एक ई कंटेंट बनाया, तो उसको हमें चेक करना है कि क्या वो एक इफेक्टिव ई कंटेंट है, क्या वो एक सही ई कंटेंट है जो बच्चों तक पहुंचना चाहिए. तो वो है हमारे इस सेशन की बुनियाद. अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी जिससे कि हम देख सके कि हम क्या जानने वाले हैं और हमें कैसे कैसे इवैल्यूएशन करना है. सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे हमें तीन एलिमेंट्स पे हम फोकस करेंगे. पहला है कि ई कंटेंट क्या होता है, किस चीज को हम ई कंटेंट कहते हैं. जैसे कि कोई भी हमारे पास क्या फोटो है तो क्या वो ई कंटेंट है, अगर डिजिटल वर्जन में कोई टेक्स्ट है तो वो ई कंटेंट है. व्हाट इज दैट वी अंडरस्टैंड बाय द ई कंटेंट जिसको हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं. देन व्हाई, मतलब कि नीड क्या है ई कंटेंट को इवैल्यूएट करने की. ई कंटेंट है क्या, कौन कौन से ई कंटेंट है, उनको इवैल्यूएट करने की जरूरत क्या है. और फिर जब हम एज ए टीचर कन्विंस हैं कि ये ई कंटेंट है और इसे इवैल्यूएट किया जाना चाहिए, देन द प्रोसेस कि उसको कैसे इवैल्यूएट करें, कौन सा वो मेथड है, कौन सा वो टूल है, कौन सा वो पैरामीटर है जिसको हम फॉलो करें और हम अपने ई कंटेंट को इवैल्यूएट कर पाए. अब आपके सामने एक स्क्रीन पे एक इंफोग्राफिक है जिसको अगर आप देखोगे तो उसमें वैरायटी ऑफ ई कंटेंट्स मेंशन्ड है.
So these all are e-contents in their digital forms. Text as a book is not an e-content, but that is a content. So text, which is digital text, is a e-content. Image, graphics, visuals, applications, games, journals, presentations, animations, interactives, e-books, immersive content. You name whatever digitally we can use for education is the e-content. So now at least we are broad enough to understand that not only just a video or audio has to be evaluated, but a simple image needs to be evaluated. That is the understanding what we wanted to develop using this particular slide. Now, why do you need that the e-content should be evaluated? So there are different reasons for this. The first and the foremost is the reliability and validity. Reliability and validity, I think my teacher educator colleagues would be knowing these terms. Teachers, I am not very sure. So reliability means how reliable this content is. मतलब कितना वो उसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं कि वो जो करवा रहा है वो वही करवाएगा, वही पढ़ाएगा. Validity means क्या वो content valid है. Valid मतलब उस scenario में, उस classroom के लिए, उस उन बच्चों के साथ. Content जो बनेगा north east में वो हो नहीं सकता, वो जरूरी नहीं है कि वो south के बच्चों के लिए valid हो. तो वो उस aspect को समझने के लिए हमारा पहला काम है उसकी reliability and validity, कि उस content को जिसके लिए बनाया गया है वो उन तक प्रॉपरली पहुंचेगा, पहली चीज. उनको समझ आएगा, दूसरी चीज. एंड दे विल बी एबल टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट इज द थर्ड थिंग. सो दिस इज वेयर यू हैव टू चेक द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. जस्ट डोंट वरी दैट हाउ टू चेक दिस रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी. व्हेन वी डू रिसर्च वी हैव डिफरेंट टूल्स एंड इवन फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग रिलायबिलिटी. But in this context, we have certain things which we will share with you through which you can evaluate your tool. The second is appropriateness. Appropriateness can be in varied directions. First thing in appropriateness which comes is the content. Content should be appropriately laid out. Content should be appropriate in itself. Now, what does this mean by appropriate? A, it should be for that learner. The language should be appropriate for that learner, not just the Hindi and English. Sirf Hindi aur English na ho karke. Main shayad baar baar bhool jati hu ki mujhe Hindi mein bolna hai, abhi yaad aaya. So content ka mera bhasha se matlab keval ye nahi hai ki English wala content Hindi ko samajh mein nahi aayega. पर जो बात हमने ऑडियो और वीडियो के सेशन में समझी थी कि जार्गन यूज नहीं करने, हमें अपने ज्ञान का बखान नहीं करना है अपने कंटेंट में, हमें उस लर्नर के लेवल का कंटेंट अप्रोप्रिएटली प्लान करना है. यहाँ पे ये नेचर ऑफ कंटेंट है. द नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लर्नर. लर्नर को हमारा प्राइमरी एम ही लर्नर है. हमारा क्लाइंट ही लर्नर है. जब आप कमर्शियल फील्ड में हम जाते हैं और बात करते हैं किसी की, तो वहां पे क्लाइंट इज द गॉड. हमारे सिनेरियो में लर्नर इज द गॉड. हमें लर्नर को सिखाना है, उसके सीखने के लिए ही सारा कंटेंट हमें डेवलप करना है. तो उस लर्नर के सराउंडिंग्स, उस लर्नर के लाइफस्टाइल, उस लर्नर के लेवल ऑफ लर्निंग, उस लर्नर की प्रीवियस नॉलेज, उस लर्नर का अभी का ओवरऑल लेवल, इन सबको ध्यान में रख करके ही कंटेंट अप्रोप्रिएटली आप प्लान करेंगे. द नेक्स्ट इज मेथड ऑफ टीचिंग. वेदर द मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्टेड इज पेडागॉजिकली करेक्ट फॉर दैट लेवल ऑफ लर्नर्स और नॉट, दैट हैज टू बी सीन हियर. देन अवेलेबल टेक्नोलॉजी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सी फॉर एग्जाम्पल, one of the teacher, I think in this group only, shared a very nice video.
or created a very nice interactive content. Now I'm just going to a fictional stage. तो उस कंटेंट को उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया और पूरा उसमें वर्चुअल रियलिटी या सिमुलेशन सारे एलिमेंट्स वो लेकर के आए, एक कंटेंट उन्होंने बनाया. अब वो ले जाकर के उसे अपने स्कूल में अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं. वो स्कूल में पहुंचते हैं, बच्चों को दिखाते हैं. से फॉर एग्जाम्पल इन द सिचुएशन व्हेन द टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी, then the sound system, the display system, everything is in place in that situation. अब बच्चों ने उस तरह की चीज पहले देखी नहीं है. जैसे ही बच्चों ने वो देखा, वो कंटेंट को भूल गए, वो खो गए टेक्नोलॉजी में. सो द लर्निंग वॉज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि उनका जो क्रेज था वो नई टेक्नोलॉजी के प्रति ज्यादा था देन दैट ऑफ द कंटेंट. ठीक है, तो ये एक सही यूज टेक्नोलॉजी का नहीं हुआ. दूसरा एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. मान लीजिए आपने यहाँ पे अभी हमने कैमरा ऑन करवाया था सर का. मान लीजिए उन्होंने बड़ा अच्छा कंटेंट बनाया, सिंपल एक वीडियो कंटेंट, बिल्कुल सिंपल. उन्होंने अपना बेसिक इंफोग्राफिक्स की इमेजेस डाल के एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा अप्रोप्रिएट टू देयर चिल्ड्रन एक कॉन्टेंट बनाया. एंड ही थॉट दैट ही विल डिस्प्ले अपने स्कूल में जाके अपनी क्लासरूम में वो बच्चों को दिखाएंगे. अब as soon as he comes up with this, we realize when he reaches the school, हमें ये पता चलता है कि उस स्कूल में तो इलेक्ट्रिसिटी की ही प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं. तो क्या वो उस कंटेंट को यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. पर चलो कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पे स्टिल एक स्कोप था कि हम उसको मोबाइल डिवाइसेस पे उसका लिंक भेज दें बच्चों को, अगर उनके पास नेट कनेक्टिविटी है. नहीं तो हम अगर वो कभी कभी नेट कनेक्टिविटी में आते हैं तो हम उन्हें व्हाट्सएप पे भेज दें, या इसी तरह का कोई मैकेनिज्म हम इख्तियार कर लें जिससे कि वो कंटेंट उन तक पहुंच सके. पर जैसे ही हमने अपलोडिंग की बात की या डेटा ट्रांसफर की बात की कि उनके मोबाइल में कर देंगे, पर वो कंटेंट इतना अच्छा बना था, हाई रेजोल्यूशन फाइल थी, वो मोबाइल सपोर्ट ही नहीं कर रहा उतनी बड़ी फाइल को. तो हमको ये वाली अवेलेबल टेक्नोलॉजी हमारे स्कूल में क्या है, अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है जब हमने कंटेंट को प्लान करना है या इवैल्यूएट करना है. ये दोनों चीजें हमारी दोनों टाइम पे, अगर हम क्रिएशन के टाइम पे इसका ध्यान रखते हैं तो इवैल्यूएशन में तो अपने आप वो सूटेबल हो जाएगा. सो दिस इज द अप्रोप्रिएटनेस एज पर कंटेंट, लर्नर, teaching methodology and the available technology. The third is the cost effectiveness. हमें ये भी देखना है कि ये content आप बना रहे हैं, बहुत मेहनत से बना रहे हैं, पर जो content बन रहा है वो बहुत छोटे से किसी concept को deal कर रहे हैं. जो concept आप बिना किसी video resource या simulation या animation के पढ़ा सकते हो, मतलब वो इतना difficult या abstract नहीं है जिसके लिए हमें उतना time या पैसा खर्च करना पड़े. हम बाजार में जाते हैं, हमें कपड़े तो बहुत पसंद आते हैं या टेक्नोलॉजी में लगता है ये लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छी है, ये फोन बहुत बेहतरीन है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, पर क्या हम वो हर बार खरीदते हैं? नहीं, क्योंकि हम ये देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बजट क्या है, दूसरा क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है हमारे काम का. क्या सिर्फ एक फोटो खींचने से मेरे एज अ पर्सन मेरे में कोई बदलाव आ जाएगा? नहीं. तो हमें वो देखना है यहाँ पे कि जो काम, जो कंटेंट आप बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक छोटे से 5 मिनट के वीडियो के लिए आपने 2 लाख रुपए खर्च दिए और उस वीडियो से हम वो कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं जो टीचर एक्चुअल में रियल लाइफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम कहते हैं क्लासरूम के आसपास की सराउंडिंग चीजों से भी पढ़ाया जा सकता है, देन दैट इज अ वेस्ट. सो व्हाइल क्रिएटिंग, व्हाइल इवैल्यूएटिंग योर ई कंटेंट, वी शुड कीप इन माइंड द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑल्सो. द फोर्थ इज द लाइसेंसिंग, जिसकी बात हमने बहुत ही बिगनिंग में कर ली थी कि क्या वो आपने कंटेंट बनाया. मैम, इंदु मैम जब बताती हैं, वो एक एग्जांपल देती हैं कि एक बार एनसीईआरटी का कंटेंट एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अपलोड होता है एंड वी रियलाइज कि उन्होंने उस कंटेंट को ब्लॉक कर दिया है, यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया है. क्यों ब्लॉक किया? क्योंकि किसी ने हमसे पहले शायद यूट्यूब पे उसको अपना क्लेम करके अपलोड कर दिया था. फिर उसके बाद क्या होगा, वहां पे जुडिशियल केसेस होंगे,
केस होता है तो पता चलता है, क्योंकि वो कंटेंट यहीं का क्रिएटेड है, उसकी रफ रॉ फाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, या उसका बैक एंड डेटा हमारे पास अवेलेबल है, एंड इट इज जस्टिफाइड दैट दिस कंटेंट इज क्रिएटेड बाय अस, तो उन्होंने उसको ब्लॉक किया और हमारा एक्टिव किया. सो ये जो है, अभी भले ही यूट्यूब ने शुरू किया हो, बाकी पोर्टल्स पे बहुत क्लियरली विजिबल ना हो, पर आने वाले टाइम में आपको ये विजिबिलिटी मिलेगी कि आपका कंटेंट या म्यूजिक या ऑडियो ब्लॉक हो जाएगा. तो ये चीज को भी आप क्रिएट करते हुए हमेशा ध्यान रखें कि आप कहाँ से कोई भी कंटेंट ले रहे हैं, अपने कंटेंट को एनहांस करने के लिए या फिर उस कंटेंट को अडेप्ट करने के लिए. तो लाइसेंसिंग की समझ तो हम बहुत पहले ही इसीलिए डेवलप कर चुके हैं. नाउ हमने समझ लिया कि ई कंटेंट है क्या, हमने ये भी समझ लिया है उसे इवैल्यूएट करने की जरूरत क्यों है. अब हम समझेंगे प्रोसेस क्या है उसको इवैल्यूएट करने का. ठीक है, तो ये हमारे कुछ 6 पैरामीटर्स आपके सामने हैं, जो कि क्वालिटी पैरामीटर्स हैं हमारे ई कंटेंट के लिए. पहले में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है टारगेट ऑडियंस, जिसमें हम उनके एज ग्रुप अप्रोप्रिएट कंटेंट की बात करते हैं, उनकी प्रीवियस लर्निंग की बात करते हैं कि उनकी क्या लर्निंग है, उसके बेस पे ही वो कंटेंट वो यूज कर पाएंगे. सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड की भी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि वो जिस बैकग्राउंड से आ रहा है उससे रेलेवेंट कंटेंट या एग्जांपल्स हम दें, जिससे बच्चा ज्यादा कनेक्टेड फील करे अपनी लर्निंग से. देन लर्निंग स्टाइल्स बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से ही डिफाइन होंगे. उनकी लैंग्वेज क्या है उसको भी फोकस करना है, डेमोग्राफी कैसी है, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है, एबिलिटी कैसी है, हमारा बच्चा गिफ्टेड है, स्लो है, मीडियम है, उन सबको भी हमें ध्यान रखना है, और ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट उसका कैसा है. इन सब चीजों को जब हम शुरू से कंटेंट के अंदर सोच के चलेंगे, प्लान करके चलेंगे, तो जो कंटेंट क्रिएट होगा वो भी एक अप्रोप्रिएट कंटेंट ही, ई कंटेंट ही क्रिएट होगा. नाउ आई कम टू द कंटेंट. जो हमने पिछली स्लाइड में नेचर ऑफ कंटेंट की बात की थी वो हम यहाँ समझेंगे. कंटेंट में एक्यूरेसी, सबसे पहले कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई डेट्स की, ईयर की, या मान लीजिए मैप है तो हम उसमें प्लेसमेंट गलत कर देते हैं, मैप गलत बना होता है. साइंस है तो दैट गिव्स अ रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग टू द लर्नर. सो एक्यूरेसी ऑफ डेटा, एक्यूरेसी ऑफ डेट्स, एक्यूरेसी ऑफ इक्विपमेंट, एवरीथिंग शुड बी, ओवरऑल कॉन्टेंट शुड बी देयर. रेलिवेंस मीन्स अगेन नीड ऑफ द कॉन्टेंट. कंटेंट कवरेज, क्या कंटेंट हम कवर कर रहे हैं, बेसिकली कितने टाइम में हम कितना कंटेंट कवर कर रहे हैं. जैसे कि आप बहुत लंबा कंटेंट बनाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल के लिए हो, वो बोरिंग हो जाएगा. पर अगर आप क्रिस्प और छोटा कंटेंट, छोटे उसको हिस्सों में बांट देंगे, सब टॉपिक्स में बांट करके कॉन्टेंट बनाएंगे, देन इट विल बिकम मोर सूटेबल एंड मोर इजी टू यूज. इट शुड बी अपडेटेड, दैट मीन्स अगेन द इंफॉर्मेशन शुड बी अपडेटेड अलाइंड विद द करिकुलम. अब अगर आपने देखा हमारा NCF नया डेवलप हो रहा है, तो अब नेक्स्ट ईयर से हो सकता है हमारी टेक्स्ट बुक पे कुछ इन्फ्लुएंस आए, तो हमारा जो ई कॉन्टेंट है, अब जो आप ई कॉन्टेंट बनाएंगे, आप कोशिश करिए जब नया NCF आता है उसकी करिकुलर गाइडलाइंस को लेकर के कंटेंट बनाए, जिससे कि वो कंटेंट अलाइंड हो हमारे टेक्स्ट बुक से. देन वी हैव स्पेशल टेम्पोरल कॉन्टिग्युटी, हम मतलब समझ सकें उस चीज को, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा डेवलप कर सके उस चीज का ध्यान रखें. स्कोप एंड डेप्थ, अप्रोप्रिएटनेस टू टारगेट ऑडियंस, उसका दायरा या जो उसकी हम कहते हैं ना कंटेंट कितना हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, वो अप्रोप्रिएट हो उस बच्चे के टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी वहीं आएगा. सो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं तो ये कंटेंट अप्रोप्रिएटनेस की हम बात कर रहे हैं. देन वी कम्स टू पेडागॉजिकल कंसिडरेशंस. पेडागॉजिकल कंसिडरेशन में आता है जिसे हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं या लर्निंग आउटकम्स हैं. हम जब लेसन प्लान बनाते हैं एज अ टीचर और क्लास में प्रेजेंट करने जाते हैं,
तो हमारा पूरा उसके अंदर ऑब्जेक्टिव, आउटकम, मेथड ऑफ डिलीवरी ऑफ कंटेंट, वो हमारा फिक्स्ड लिखा होता है. कौन सा टीचिंग एड आप यूज करोगे, किस तरह से लेक्चर स्टार्ट करोगे क्लास में या डिस्कशन करोगे, ये सारी चीजें, कौन से पॉइंट पे आप उनसे उनको वेरी चेक करोगे कि वो सही पढ़ रहे हैं, वो समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, कौन से ग्राफ्स या कौन से इमेजेस का रेफरेंस लोगे, एग्जांपल्स क्या दोगे, आपका एक भले ही एक एक्सपीरियंस के बाद आप बहुत रेगुलर टीचिंग वो नहीं बना रहे होगे लेसन प्लान्स, लेकिन जब हम बिगिनिंग में इस चीज को सीखते हैं तो हम एक एक पॉइंट को लिखते हैं, उन्हीं को हमें यहाँ पे एज अ पेडागॉजिकल कंसिडरेशन कवर करना है कि हम बच्चों को जब किसी वीडियो के माध्यम से या किसी ऑडियो कंटेंट के माध्यम से पढ़ाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेथड क्या होगा, कौन सा मीडिया हम सिलेक्ट करें कि ऑडियो या वीडियो, वो हमारा क्या होगा, हम कैसे एग्जाम्पल्स देंगे, कैसे उसको रियल लाइफ से रिलेट करेंगे, असेस कैसे करेंगे हम अपने बच्चे को, वो भी हमें जो है ई कॉन्टेंट में देखना है. द नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन. आपने बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया, आपका टारगेट ऑडियंस और पेडागॉजिकल कंसिडरेशन का पूरा फोकस रहा, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन इतना बोरिंग या खराब था, क्लटर्ड था, या मान लीजिए टेक्स्ट बहुत ही छोटा था वीडियो में, ऑडियो के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस थी, तो क्या हमारा कंटेंट लर्नर तक पहुंच पाएगा? नहीं. जैसे हम किसी सेशन में देखते हैं कि कोई अनम्यूट कर देता है, पीछे से वो बात नहीं कर रहा है, पर उसकी बैकग्राउंड नॉइज आती जा रही है, तो हम एज एन एक्सपर्ट और आप एज ए पार्टिसिपेंट भी डिस्टर्ब हो जाते हैं. ठीक है, तो हमें इस चीज को भी यहाँ पे देखना है कि जब हम कोई कंटेंट बना रहे हैं उसका एस्थेटिक सेंस, उसके अंदर हमारा कैसा कलर कॉम्बिनेशन है, कैसे हमारे साउंड इफेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें हमें उसके अंदर देखनी है. उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि वो UDL फॉलो करता हो. UDL मींस यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग. सो वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन द नॉर्मल चिल्ड्रन, बट वी आर फोकसिंग ऑन द लर्निंग ऑफ यूनिवर्सली ऑल द चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया राइट नाउ, बट ऑफकोर्स द कंटेंट कैन बी रेप्लीकेटेड एट अदर प्लेसेस ऑल्सो. इट शुड बी क्रिएटिव ऑल्सो, मोटिवेटिंग फॉर लर्नर्स टू सी सच काइंड ऑफ कॉन्टेंट. तो इन पॉइंट्स का भी हमें अपने प्रेजेंटेशन के दौरान ध्यान रखना है. जैसे कि हम कल ओपन शॉट जब पढ़ रहे थे या जान रहे थे उसके बारे में, तो उसके अंदर हम किसी चीज को छोटा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, हमने ऑडियो को स्टार्टिंग में तेज करा, जब उन्होंने पोएम का रेसिटेशन शुरू किया तो हमने ऑडियो को धीमा कर दिया. सो दिस इज ऑल कमिंग अंडर प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट. नेक्स्ट इज टेक्निकल फीचर्स. टेक्निकल फीचर्स में है कि फाइल फॉर्मेट सूटेबल हो. मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऑल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करिए, MP4 करिए, क्योंकि वो आप व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो, वो आप ईमेल पे भी शेयर कर सकते हो. मीडियम क्वालिटी रखिए, ना तो बहुत लो की लो में हो सकता है आपकी टेक्स्ट विजिबिलिटी खत्म हो जाए, हाई में आपकी उसका फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा. तो इन चीजों का हम ध्यान रखें, उसकी यूजेबिलिटी रीयूजेबिलिटी का भी हम ध्यान रखें, साथ ही उसका मेटा डेटा प्रिपेयर करें. मान लीजिए आपने कोई कंटेंट प्रिपेयर किया, अब आप दीक्षा पे अपलोड करना चाहते हैं, आपने या तो दीक्षा स्टेट टेनेंट पे अपलोड करवाया या नेशनल पे, तो उसके लिए आप जब भेजोगे तो आपको उसका मेटा डेटा पूरा देना होगा. मेटा डेटा मतलब टाइटल ऑफ द कंटेंट, कीवर्ड्स फॉर सर्चिंग द कंटेंट, उस कौन से लेवल के लिए है, मतलब कौन से लेवल के बच्चों के लिए है, कौन से टॉपिक से मैप्ड है, कौन सी टेक्स्ट बुक के कौन से टॉपिक से मैप्ड है, कौन सी लैंग्वेज में है, ये सारी चीजें, उसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब चीजें आपको फिल करके देनी होंगी एज मेटा डेटा ऑफ दैट रिसोर्स. तो ये वाली चीजें प्लस उसका लाइसेंस क्या है, कितनी देर का है, ये सब चीजें जब हम देंगे, दैट इज इट्स कंप्लीट टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द कंटेंट, देन इट विल बी सूटेबल टू रीच टू अदर्स. देन कम्स द एडमिनिस्ट्रेटिव आस्पेक्ट, वेयर वी टॉक अबाउट, जो हमने अभी बात किया था कॉस्ट इफेक्टिवनेस का, कॉस्ट, डिलीवरी मैकेनिज्म. डिलीवरी मतलब कैसे उसको हम डिलीवर करेंगे, पढ़ाएंगे कैसे उसके माध्यम से, या वो बच्चों तक पहुंचेगा कैसे, सपोर्ट सर्विसेज, उसकी ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स, एवरीथिंग हैज टू बी कंसिडर्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन. सो दीज आर द क्वालिटी पैरामीटर्स फॉर ई कंटेंट.
You can see them as for e-content development or you can see them as for e-content evaluation. क्योंकि पैरामीटर्स जब कॉमन बनेंगे तभी हम एक अच्छा ई कंटेंट स्टार्टिंग से बनाना शुरू कर पाएंगे. नाउ हमने इस वाली स्लाइड में देखे थे कुछ पैरामीटर्स. अब हम इसमें से भी इवेल्युएट करना थोड़ा सा शायद मुश्किल है कि हम किसको क्या कितनी इंपॉर्टेंस दें, उसको कैसे देखें कि कैसे एग्जैक्टली इसकी मदद से हम इवेल्युएट करेंगे. बट हाँ, एक चीज का वो रहेगा कि हमें इन पैरामीटर्स पे इवेल्युएट करना है और ये उसकी सब हेडिंग हो सकती है. तो अब इनको हम फर्दर देखेंगे कि हमें एक टूल बनाना पड़ेगा इसके लिए कि हम ई कंटेंट इवेल्युएशन कर सकें अपने हर ई कंटेंट का. आप स्टेट रिसोर्स ग्रुप मेंबर हो, आप सिर्फ अपने कंटेंट का मत करो, आप बाकी के जो स्टेट में लोग कंटेंट बना रहे उनका भी इवेल्युएशन कर सकते हो. क्योंकि इवेल्युएशन हमें केवल अपने कंटेंट का नहीं करना, सभी का करना है ताकि सही कंटेंट, करेक्ट इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचे. पर्पस इज दिस. नाउ इफ यू वॉन्ट टू सी पैरामीटर्स ऑफ ई कॉन्टेंट इवेल्युएशन आर अवेलेबल ऑन द CIET वेबसाइट. आई विल टेक यू थ्रू दैट ऑल्सो. Similarly, guidelines for e-content development are also available on CIET website. I'll just take from here to there. Simply, you have to go to CIET website, ciet.nic.in. Once you click on this, you will land here in this website. You can go to resources. Under resources, you can see here e-content guidelines. That means e-content creation guidelines. This is a big booklet. I will just open it so that you can see. Here, two guidelines are given. One is for school education, e-content development for school education. And the second is for e-content development for specially abled children, CWSN, children with special needs. So, main ek guideline aapko khol deti hu. Aap ek baar isko khud खोल के स्क्रोल डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लेना. अब यहाँ पे देखिए आप, बैकग्राउंड गाइडलाइंस ऑफ डेवलपिंग ई कंटेंट, क्यूरेटिंग फाइल फॉर्मेट्स फॉर ई कंटेंट क्रिएशन, UDL को आप कैसे फॉलो करोगे, मेटा डेटा कैसे बनाओगे, कॉपीराइट की बात आप कैसे करोगे जो हमने लाइसेंसिंग की बात की, और ये नेक्स्ट है एनेक्शन में. ये हमारे पास कुछ पूरी इसकी आप देख सकते हो कि यहाँ से ही वो एक हमने वो लिया था रिसोर्स. This is, I wish to come here also after the presentation. For e-content development, for any kind of content development, we use certain instructional designing approaches. For instructional designing provides us a lot of models with through which we can create e-content using that. One of them is ADDIE. ADDIE means it's an acronym. ADDIE means analysis, design, develop, implement, and evaluate. So this is the full form of all these steps. But ADDIE is chosen here and kept here because evaluation step is not at the end, but it is actually involved at every step. When you analyze, you evaluate that whether you have analyzed right. एनालिसिस क्या होगा, वही वाला जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, हमारा कंटेंट क्या कवर होगा, इन सब पॉइंट्स को हम एनालाइज कर रहे हैं. तो आपने यहाँ एनालाइज किया, इवेलुएट किया. इवेलुएट खुद करेंगे तो आप बायस्ड होंगे, तो आप अपने को टीचर से इवेलुएट करवाएंगे. देन डिजाइन. डिजाइन मीन्स यहाँ आपने अपने सारी डिटेल को कि किस उसमें बनना है, उसकी स्क्रिप्ट लिख ली, ये वाला पार्ट आपने कर लिया. Then you evaluate. आपने स्क्रिप्ट ही, मैंने आपको बताया था कि आई थिंक किसी और उसमें बताया था, NCERT में जब भी कोई कॉन्टेंट डेवेलप होता है उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है. उसके बाद स्क्रिप्ट कमिटी बैठती है जिसके अंदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट एज वेल एज मीडिया एक्सपर्ट, वो उसको रिव्यू करते हैं और अपने कॉमेंट्स देते हैं कि इसके अंदर हमें ये चेंजेस करने पड़ेंगे फॉर मेकिंग इट अ प्रोग्राम. वो रिव्यू होती है, रिवाइज होती है, देन इट गोज फॉर द प्रोडक्शन. तो वो इवेल्युएशन वाली स्टेज हमारी यहाँ पर भी है. देन है डेवलप. सो फाइनली प्रोडक्शन होता है. प्रोडक्शन होने के बाद उसका प्रीव्यू होता है. CIET में एवरी फ्राइडे वी हैव अ प्रीव्यू शेड्यूल्ड जिसमें 2 से 3 प्रोग्राम जो भी हफ्ते में रेडी हो गए उनको प्रीव्यू किया जाता है.
उसमें पूरी फैकल्टी बैठती है, सब्जेक्ट एनआईई से हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आते हैं और अपने कमेंट्स देते हैं, वहां वो कंटेंट अप्रूव होता है, अगर नहीं अप्रूव होता है कोई सजेशन है तो उसको मॉडिफिकेशन में भेजा जाता है एंड देन इट इज फाइनली रिलीज्ड ऑन एनी ऑफ द पोर्टल्स, तो फिर ये इंप्लीमेंट होता है उसके बाद। तो आप देखेंगे तो रियल लाइफ में भी सीआईडी एक बार देख लीजिएगा अपने उसमें। अब हम आते हैं यहीं पे है ई कंटेंट इवैल्यूएशन। सो आई एम सॉरी, मेरा कनेक्टिविटी का कुछ इशू हो गया था एंड आई लॉस्ट द सेशन। सो हम लोग यहाँ थे सीआईटी की वेबसाइट आई एम ट्राइंग टू ओपन फॉर ई कंटेंट इवैल्यूएशन। अब आप यहाँ देखोगे ई कंटेंट इवैल्यूएशन टूल भी है, पैरामीटर्स फॉर ई कंटेंट इवैल्यूएशन भी है। तो मैं पहले पैरामीटर्स को क्लिक करती हूँ। अब ये देखिए जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए उन्हीं को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके, पहला है फैक्चुअल एक्यूरेसी, उसके अंदर आपने क्या देखना है, फैक्चुअल एक्यूरेसी में क्या क्या आप देखते हो, कंटेंट बीइंग प्रेजेंटेड थ्रू टेक्स्ट डायग्राम पिक्चर मैप डेटा ऑडियो वीडियो हैव नो फैक्चुअल एरर, रिस्पॉन्स आपका क्या होना चाहिए, येस कंटेंट इज फैक्चुअली एक्यूरेट, नो इफ नो वाई, वट डू यू थिंक वाई, देन लीगल यूज कंटेंट फ्री फ्रॉम टेक्निकल ग्लिचेस, ये सारे इसके जो हमने पॉइंट्स पढ़े उन्हीं को हमने यहाँ पे और पॉइंटर्स में फर्दर सिंप्लीफाई करके आपके लिए एक पूरे पैरामीटर्स डेवलप कर दिए। इसे डायरेक्टली भी आप टूल की तरह यूज कर सकते हो, पर अदरवाइज ऑल्सो व्हेन आई से ई कंटेंट इवैल्यूएशन टूल, उसी का ये सिंप्लीफाइड वर्जन टूल भी है। फैक्चुअल एक्यूरेसी यस नो अपने कमेंट्स, लीगल यूज कंटेंट फ्री फ्रॉम ग्लिचेस, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी अप्रोप्रिएटनेस। कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोप्रिएटनेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैम के ही सेशन में आपने देखा होगा कि जब मैम वो फैमिली ट्री दिखा रही थी तो उन्होंने उसके अंदर एक उसमें मैक्सिमम दो बच्चों को दिखाया था, चार बच्चे नहीं दिखाए थे कि चाचा मामा हमें सब देखना है तो उसके लिए हमने चार बच्चे दिखा दिए, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है कि दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। तो उसको फॉलो करते हुए ही उन्होंने अपने कंटेंट को भी उस तरह से प्लान किया या रिफाइन किया। सिमिलरली जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, किसी रिलीजन या रीजन का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, किसी भाषा की वो नहीं होनी चाहिए कि हम किसी भाषा का मजाक करें या उसके लिए कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स हो। उस तरह से हमको ये वाले एस्पेक्ट्स को भी अपने कंटेंट में देखना है। फिर उसका कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जो मैपिंग है कंटेंट के साथ, कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक पढ़ाने के लिए इसका यूज होगा, पेडागोजिकल एंड्रोगोजिकल स्ट्रक्चर, लैंग्वेज कैसी है, उसकी रेटिंग है यहाँ पे, फॉर्मेट कौन सा है प्रेजेंटेशन का, क्या वो एज क्लास या लेवल के अप्रोप्रिएट है या नहीं, पेस कैसी है, पेस मतलब जिसे आप सभी लोग बोल रहे होंगे अभी कि मैम ये तो 5 दिन का नहीं 10 दिन की ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए, तो सो बेसिकली क्या है, हमने ज्यादा कंटेंट को छोटे पैकेट में डाल दिया है तो हमें जल्दी जल्दी उसको करवाना पड़ रहा है, तो पेस हमारी फास्ट है। बट ये हमारा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये कोई एक्सपर्ट मेकिंग प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए इसकी पेस फास्ट हो सकती है, दिस कैन बी प्लान्ड इन सच अ वे, बट द स्टूडेंट्स कंटेंट कैन नॉट बी वेरी फास्ट, नीदर इट कैन बी वेरी स्लो, क्योंकि अगर वो स्लो होगा तो वो बोरिंग हो जाएगा।
और फास्ट होगा तो बच्चों को समझ नहीं आएगा. तो पेस उस प्रोग्राम की अप्रोप्रिएट होना अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप शुड बी इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, अगेन अगर बच्चे छोटे हैं तो कंटेंट बहुत बाइट साइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 2 से 5 मिनट का होना चाहिए. अगर थोड़े बड़े हैं तो शायद 10 मिनट तक चलेगा, अगर थोड़े और बड़े हैं तो 15 मिनट तक आप ले सकते हो. पर फिर भी आधे घंटे का या 1 घंटे का वीडियो कोई भी नहीं देखेगा, वो उनके लिए बहुत बोरिंग होगा. हाँ कोई बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट है देन वी कैन टेक अ लिबर्टी ऑफ 2-3 मिनट्स ऊपर नीचे, उसको आप कर सकते हो. उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे एक नोट है, पैरामीटर 1 to 4 टू बी रिस्पॉन्डेड एज येस और नो, पैरामीटर 5 to 10 शुड बी रेटेड एज पर द रेटिंग स्केल. तो इसको कैसे फिल करना है उसकी डिटेल भी यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है. तो ये आप एज अ टीचर खुद भी या टीचर एजुकेटर खुद भी अपने कंटेंट को या अपने को टीचर्स के कंटेंट को इसकी मदद से इवैल्यूएट कर सकते हैं. तो मैं आगे बढ़ती हूँ. ये मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी जो मैंने आपको वहीं पे कर दिया. अब हम लोग 1-2 कंटेंट को देखते हैं और देखते हैं कि इवैल्यूएशन आप उसको कैसे करेंगे. आपको क्राइटेरिया मैंने अभी अभी बताया है. अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम किसी भी कंटेंट को इवैल्यूएट कैसे करेंगे. सो दिस इज द कंटेंट. यहाँ आपको पहले लर्निंग आउटकम्स दिए जा रहे हैं. पहले आप इन लर्निंग आउटकम्स को पढ़ोगे क्योंकि आउटकम के बेस पे ही हम बाकी के कंटेंट का लेवल भी देखेंगे. कक्षा 2 के लिए है, इसमें है कि चित्र कथा कहानी की घटना और पात्रों के बारे में अर्थ ग्रहण करते हैं बच्चे और उनके बारे में स्वनियंत्रित लेखन करते हैं, अपने अकॉर्डिंगली अपने प्लानिंग से लेखन करते हैं. आपने भी पढ़ा कक्षा में चित्रों का इस्तेमाल क्या क्या करे कमाल. बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक हो या अन्य बाल साहित्य, उसमें दी गई चित्र सामग्री या तस्वीरों को अनदेखा करके केवल प्रिंट को पढ़ना पढ़ाना क्या बच्चों को रुचिकर लगेगा? किताब हाथ में आते ही वे चित्र निहारते हैं, उसी में खो जाते हैं, देखते रहते हैं, पूरे इत्मीनान से और धैर्य से इस चित्र को देखते हैं. कक्षा में इसका उपयोग बच्चों के साथ किस तरह किया जा सकता है इसकी चर्चा करते हैं. हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं जो कक्षा में तस्वीरों पर बातचीत को महत्व देते हैं और इसकी उपयोगिता को समझते हैं. कक्षा में बच्चों के साथ 2 चित्र सामने रखकर बातचीत की शुरुआत कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यही बात करेंगे, ध्यान से देखो, ढूंढो और अंदाजा लगाओ. यह तस्वीर किस जगह की है? इस तस्वीर में कौन कौन है? क्या इस चित्र में चाय वाला है? क्या तुमने यहाँ कुली को देखा? हम कुछ ऐसे सवाल भी कर सकते हैं जो चित्र में दिखाई गई किसी चीज या घटना पर बच्चे की प्रतिक्रिया व्यक्त करें. एक आदमी भाग क्यों रहा है? कुछ लोग लाइन में क्यों लगे हैं? लड़की चाय वाले से क्या कह रही है? मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि चित्र के माध्यम से बच्चों को पढ़ने लिखने का भी मौका मिले, इसीलिए इस तरह के प्रश्न करना उपयोगी रहता है. उंगली रखकर बताओ चित्र में
कहां कहां कुछ लिखा है। अब पढ़कर देखो यहां क्या क्या लिखा है। यहां जो लिखा है उसे अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। चित्र में किस किस चीज की दुकान है लिखो। मुझे लगता है कि चित्र पठन के माध्यम से लिखकर बच्चे को अपनी बात कहने का अवसर दिया ही जाना चाहिए। वे अपनी बात स्ववर्तनी में लिखें। वर्तनी सही करने के चक्कर में मैं उन्हें रोकती टोकती नहीं हूँ। यह अवश्य है कि पहले बच्चों के साथ मौखिक रूप से चर्चा करती हूँ, फिर वे लिखते हैं। टोपी वाला आदमी लड़की से क्या पूछ रहा होगा? छोटे लड़के और खोमचे वाले के बीच क्या बात हो रही होगी? बात लिखने पढ़ने की हो रही है, तो हम बच्चों से चित्र में से देखकर कुछ ऐसे शब्दों के अर्थ भी पूछ सकते हैं जो उनके लिए मुश्किल हैं, पर संदर्भ से अर्थ बताने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इस चित्र में कुछ शब्द हैं, सामग्री, मासिक, दैनिक, स्वच्छता, वस्तु, निषेध, धूम्रपान। मैं सोचती हूँ चित्र पठन हमें बहुत सी ऐसी संभावनाएं भी देता है जिसमें बच्चे हमसे कुछ सवाल करें और कुछ हम उनसे करें, जिससे वे अपनी जिंदगी के अनुभव इस बातचीत में बताएं, सोचें। अगर इस आदमी की जो भाग रहा है गाड़ी छूट गई तो क्या होगा, वो क्या करेगा? किताबों की दुकान के पास बैठा ये व्यक्ति क्या सोच रहा है? तुम ट्रेन में कहीं जाने का प्रोग्राम बना रहे हो, क्या क्या ले जाओगे? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कहीं देर से पहुंचे, फिर क्या हुआ? कभी भीड़ में तुम खो गए तो क्या किया? अगर हमारे पास ट्रेन का टिकट ना होगा तो क्या होगा? ट्रेन में इतने सारे डब्बे क्यों होते हैं? ट्रेन का ड्राइवर कहाँ होता है? इतना बड़ा कांटे का निशान क्यों है? शिक्षकों से बातचीत में जो बातें मुख्य रूप से निकल कर आईं, वो हैं चित्रों को छोड़कर आगे पढ़ाना शुरू करने में कोई औचित्य नहीं। यदि चित्र कुछ शब्दों, वाक्यों, पोस्टर के साथ हों, तो शब्द, अक्षर, वाक्य पहचान और समझ के साथ पढ़ने का मौका देते हैं। चित्र बच्चों के साथ संवाद की शुरुआत का अच्छा जरिया है। चित्र पर चर्चा से बच्चे ये महसूस कर सकते हैं कि उनके चारों ओर दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अवलोकन विश्लेषण चर्चा से परिचित अपरिचित शब्दों का भंडार बढ़ा। चित्रों से मित्रता की बात तो खूब हुई, अब जानिए बच्चे अपनी कल्पना से किसी चित्र कथा को कैसे शब्दों में व्यक्त करते हैं, जिसमें हास्य विनोद भी हो और उनकी कल्पना और अनुभव भी। इस छोटी सी चित्र कथा पर बच्चों से लिखवाइए और लिखिए अपने अनुभव। आप बच्चों द्वारा बनाई गई कहानी को सबके साथ साझा अवश्य कीजिए। अभी आपने इसको वीडियो को देखा, ये बेसिकली क्लास दो के बच्चों को एम जरूर करती है, पर ये एक टीचिंग रिसोर्स है, लर्निंग रिसोर्स नहीं है। ये टीचर के लिए है कि वो चित्रों के माध्यम से कक्षा में कैसे पढ़ा सकता है। अब अगर आपको इसको अपने टूल के माध्यम से इवैल्यूएट करना हो तो आप कैसे करेंगे उसको, वो भी हम साथ साथ देखते हैं। आपने अभी अभी टूल भी देखा था, तो टूल जब हमने देख ही लिया तो आपको पता होगा कि हमें उसे इवैल्यूएट किस तरीके से करना है। अब हमारे पास ये टूल है। फैक्चुअल एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो इसमें फैक्चुअल एक्यूरेसी के लिए आपका क्या रिस्पॉन्स होगा?
यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. यस ओके ठीक है. एक्यूरेट वेरी नाइस बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट पे चलते हैं. लीगल यूज ऑफ प्रोप्राइटरी कंटेंट, वो अभी आपके लिए यहाँ पे बताना शायद मुश्किल होगा क्योंकि वैसे तो वो कंटेंट यहीं पे डेवलप हुआ है, तो आई कैन डेफिनेटली से यस ओके है वो, क्योंकि वो इंफोग्राफिक भी यहीं पे बनाए गए हैं तो वो हमारे ही कॉपीराइट में आएंगे. कंटेंट पीस फ्री फ्रॉम टेक्निकल ग्लिचेस, कोई उसमें किसी तरह का टेक्निकल ग्लिच है या नहीं, कि अगर वो रेलवे स्टेशन का सीन है कहीं से कटा फटा है, हमें आधी चीज नहीं दिख रही या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो हमें देखना है इस तरह के कंटेंट में भी. वीडियो है तो साउंड, उसकी वीडियो क्वालिटी, वो सब चीजें भी आप देखेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंटेंट, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छे से हम देख पा रहे होंगे कि फॉलो हुआ कि नहीं हुआ. वहां पे एक पर्सन बैठा है बुक शॉप के पास, आप उसको कह सकते हो कम्युनल, अगर आपको दंगे बढ़ाने हैं तो उसके रिलीजन पे कमेंट किया जा सकता है, या फिर उसको कोई डेरोगेटरी रिमार्क दे सकते हैं कि कोई वो जमीन पे बैठा है. तो इस तरह का कोई भी शब्द वहां इस्तेमाल नहीं हुआ है. बहुत ही अच्छे से उन्होंने व्यक्त किया इस चीज को कि एक व्यक्ति वहां बैठा क्या सोच रहा है या वो क्या कर रहा है वहां बैठ के, तो वो भी इसमें परफेक्ट है. कॉरेस्पॉन्डेंस विद टॉपिक सब टॉपिक लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि चित्रों को कैसे उपयोग करना है, बच्चों से कैसे आंसर लेने हैं. अब यहाँ पे आपको रेटिंग में देना है कि क्या उसकी रेटिंग रही होगी. पेडागोजिकल या एंड्रोगोजिकल स्ट्रक्चर, अब बिकॉज दिस इज फॉर टीचर सो दिस इज मोर अबाउट एंड्रोगोजी, उसके क्या मार्क्स रहेंगे. लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, क्या इसकी भाषा ठीक थी, हिंदी कठिन तो नहीं थी, पर ये टीचर्स के लिए तो उस हिसाब से इसकी भाषा भी शायद हम परफेक्ट समझ सकते हैं, पर अगर बच्चों के लिए तो शायद इसकी भाषा थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, क्योंकि हिंदी अब जो हम देख रहे हैं आजकल के कल्चर में हिंदी बच्चे कम पढ़ते हैं. देन फॉर्मेट ऑफ कंटेंट प्रेजेंटेशन, यही वाला इमेज दीक्षा के FLN वर्टिकल के ऊपर एज एन इमेज रिसोर्स दिया हुआ है कि आप इसे क्लास में ले जाके यूज करें, और उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप कैसे यूज करें. ये उसका एक सपोर्ट मटेरियल की तरह अगर मैं देख रही हूँ तो बहुत ही अच्छे से मुझे बता रहा है कि टीचर को क्या क्या कर सकते हैं. मतलब मुझे ये जरूर पता था कि बच्चे को चित्र दिखा के पूछ लो इसमें क्या हो रहा है, वो बता देंगे, पर इतने सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने एक्सप्लोर किए कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके अंदर कि वो आपस में क्या बात करें, गेस कर रहे हैं, तो वो सारे एस्पेक्ट्स हम देख पाए कि टीचर कितने तरीकों से एक चित्र को यूज कर सकता है. पेस ऑफ द प्रोग्राम, बहुत स्लो तो नहीं था, बहुत फास्ट तो नहीं था, इसकी रेटिंग हम दे सकते हैं यहाँ पे. ड्यूरेशन क्या परफेक्ट थी उसके लिए, जिस क्लास के लिए या फिर टीचर्स के लिए बना है, तो हम उसको रेटिंग करेंगे कि अगर बहुत अच्छा नहीं था 3, 2, 1, 4, 5 जो भी रेटिंग हम उसे देना चाहें कि उसकी ड्यूरेशन और पेस कैसी थी. एंड देन यू आर गोइंग टू सबमिट दिस विद द अथॉरिटीज कि ये आपका कंटेंट इवेल्युएट हो गया है. तो ये हमने कंटेंट इवेल्युएशन देखा. अभी आप एक और कंटेंट भी इवेल्युएट हम देख सकते हैं कि और कैसे कंटेंट को हम इवेल्युएट करेंगे. आई वॉज ऑन द फोल्डर. अब एक वीडियो मैं प्ले कर रही हूं, हो सकता है किसी ने देखा भी हो क्योंकि ये CIT का प्रोडक्शन नहीं है, एक बहुत ही फेमस शॉर्ट फिल्म है जो आप लोगों ने हो सकता है देखी भी हो. इसको अगर आप देखिए, दिस इज एजुकेशनल बट उस तरह से कंटेंट बेस्ड डायरेक्टली नहीं है, वैल्यू बेस्ड ज्यादा शायद होगी. Thank you.
So now your comments and your observations, you can raise your hands and share ki kya iske andar dikhaya gaya hai, kya depict kiya gaya hai, isme kitne dialogues the jinko humne use kiya hai, kya jo message ye film convey karna chah rahi thi wo kar payi ya nahi kar payi bina dialogues ke, keval music pe hardly ek ya do jagah pe uska dialogue aaya. Value to, हाँ बिल्कुल, मैंने यही पहला वर्ड पहले ही कह दिया था कि शायद ये ज्यादा वैल्यू एजुकेशन को फोकस करेगी. इसमें दिखाया गया है कि एक रिवर्स सेक्शन है, एक बच्चा है जो स्कूल गोइंग भी नहीं है शायद, लेकिन शायद घर की जिम्मेवारियां भी है उसके साथ साथ, ही हैज नो स्कोप, उसके पास कुछ नहीं है. और एक बच्चे को देखता है अपने साथ में कि मेरी ही इस ग्रुप का एक बच्चा है जिसके पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो वो मन ही मन सोचता है कि काश मेरे पास भी ऐसा हो. लेकिन आफ्टर दैट मैम, एक चीज सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि उसके संस्कार बच्चे के कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हैं. जब एक बच्चे का शूज छूटा हुआ देखता है तो ये नहीं कि उसके ऊपर लपट पड़ता है, जैसा कि आजकल का सोशियो आपको पता है कि किस टाइप का मोमेंट है, वो फिर भी पीछे दौड़ता है और उसको देने के लिए. लेकिन दूसरा बच्चा भी एट द सेम टाइम मैम फील करता है कि शायद ही नीड्स मोर देन मी, और अपना बच्चा हुआ जो शूज है उसको भी वापिस फेंक लेता है. तो मतलब जैसे कहते हैं कि एक हैप्पी एंडिंग बहुत अच्छा इसमें दिखाया गया है मैम, कि बच्चों को किस तरह से बच्चों को दिखा सकते हैं वीडियो वैल्यूज एजुकेशन के. इंप्रेसिव. कोई और कुछ कहना चाहेगा? जी मैम. हेलो. हाँ जी, हाँ जी, सजाद सर बोलिए. हाँ जी जी मैम, जैसे सर ने कहा कि आज यूजुअली वी शुड टेक केयर ऑफ अनदर कोएफिशिएंट दैट इज कॉल्ड इमोशनल कोएफिशिएंट. इंटेलिजेंट आई क्यू हम देखते हैं, बाकी क्यूज देखते हैं, तो इससे हम वी कैन फोकस लाइक ऑन द ईक्यू,
इमोशनल कोएफिशिएंट, क्योंकि अगर वो ठीक हो जाएगा तो आवर लाइक स्टूडेंट्स आर आवर दे विल बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन. तो एक छोटी सी स्टोरी में हमने ऐसे इसको बताया कि बच्चों को इट इज अ गुड वे टू लाइक इनकल्केट सोशल वैल्यूज इन द स्टूडेंट्स. मैम थैंक यू मैम. बिल्कुल. One thing I want to add, ma'am, actions speak a lot than words. जो यहाँ पे हमने इस वीडियो में देखा. बिल्कुल. अभी उन्होंने कोई डायलॉग आपको नहीं बोला कि आप प्लीज इतने इमोशनल हो जाओ या इतने वो हो जाइए कि आपको अच्छा लग रहा है. हर एक को अच्छा लग रहा है, इरिस्पेक्टिव कि हम अलग अलग राज्यों से अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, लेकिन फिर हम सबको वो एक चीज जो है वो कितनी अच्छी लग रही है, कितना हम उसमें वो ढूंढ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को दिखाएं, चाहे वो हमारे स्कूल के बच्चे हों या हम अपने बच्चे हों, उनको दिखाएं. मैम कैन आई कम इन? यस सर. मैम जहां तक मैंने रियलाइज किया कि अगर हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ना देखें, एज अ मास्टर ट्रेनर हम इसको ले लें एज लाइक कंटेंट क्रिएशन की ओर से, तो इसमें एक बिल्कुल एक वो बैलेंस है, एक बैलेंस है इसमें. जैसे कि एक दिशा में जा रहा है और फिर अगेन इसको बैलेंस कर रहा है, तो इस तरह से मतलब होना चाहिए. लाइक कोई भी हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो एक बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस इसमें मुझे दिखा. थैंक यू. बिल्कुल सर. इसके अंदर अगर आपने नोटिस किया हो कि म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, अगर हम इसे एज ही कंटेंट अभी देखें, वैल्यूज को एक बार को असाइड करें, तो कितने अच्छे से विजुअल्स ने, जो शॉर्ट्स अगर आप देखोगे यहाँ पे हमको देखना है, जो हमने पिछले सेशंस में सीखा कि पहले कैसे एक एस्टैब्लिश कर रहे हैं हम रेलवे स्टेशन का सीन, फिर एक लॉन्ग शॉट में बच्चा है, फिर हम क्लोजअप में जाते हैं बच्चा चप्पल ठीक कर रहा है, फिर हम एक्सट्रीम क्लोजअप में जाते हैं बिल्कुल चप्पल के अंदर. वो प्रॉब्लम क्या है वो हम सबको पता है कि वो जो डाल रहा है उसका आगे का पार्ट ही टूटा हुआ है, तो वो टिक नहीं रहा. सो दैट इज कि उसकी एक एक शॉट की वैल्यू हम वहां पे देख पा रहे हैं, उस साउंड की, म्यूजिक की, वहां के साउंड इफेक्ट्स की, हर चीज जो है इस ई कंटेंट में कंट्रीब्यूट कर रही है. विजय सर आप कुछ कह रहे थे. मैम इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूडीएल, क्योंकि इसमें जैसे अभी आपने कहा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, वी आर रेडी टू शो दिस मूवी टू आवर स्टूडेंट्स. So this is the best example of UDL, and other expectations are there, there's no doubt. And this is a best example of music and no sound. जैसे हम पिछले आला मारा फिल्म देखते हैं तो उसमें कोई कुछ बात नहीं है, लेकिन सारी बातें हमें समझ आ रही हैं. But ये कि ये thanks. मैं बोल सकता हूँ एक एक करके. सर हाँ राहुल सर आप बोलिए पहले. I found the characters, जो हमने बच्चे चूज किए, being teachers, जो बच्चे चूज किए project, तो that is giving that impact के charity begins at home, जो बच्चों से हमने start कर दिया. अगर जो हम भी videos बनाते हैं, if we involve the school students या घर के जो बच्चे हैं, तो बच्चे ऐसी वीडियोस को ज्यादा अच्छे से देखते हैं, उनसे अच्छे से सीखते हैं, उन्हें एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है कि ये तो हमारे जैसे हैं, एंड दे लर्न फ्रॉम देम. तो ये मैं बोलूं? हाँ जी राहुल सर बोलिए. जी जैसे अभी आपने आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि इसमें भी लैंग्वेज का कोई इशू नहीं था कि किस राज्य में, या मैं तो बोल सकता हूं कि इसमें स्टेट मतलब नेशन का भी कोई नहीं है कि चाहे भारत में हो या अमेरिका में हो. ये भारत की नहीं है सर, ये भारत की नहीं है. मैं बात नहीं कर रहा हूं जी, मैं वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, इसमें एज ग्रुप भी नहीं मायने रखता है. जो हम सोच पा रहे हैं इस वीडियो को देखने के बाद में, वही बात वो 6 साल का बच्चा भी सोचेगा, वही जो है 60 साल का बुजुर्ग भी वही सोचेगा, उसको वही फीलिंग्स आएंगी. तो एक जो इससे एक जो मैसेज जा रहा है वो ये है कि कैसे हमारी सोच हमारे व्यवहार को परिवर्तित करती है, और हमारे सोचने का नजरिया जो है कैसे किसी की दूसरे की लाइफ को इंटरफेयर करता है, उसको अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है. तो ये एक अच्छा इसमें मुझे दिखा. तो जो आपने बोला ना कि वो कंट्री का या स्टेट बाउंड है, बट उसके आगे भी ये एज बाउंड भी नहीं है कि मतलब किसी भी एज में अगर इसको देखेंगे तो सेम फीलिंग आएगी सभी को. जी सर मैं यहाँ पे एक नवनीत मैम के पॉइंट को आगे बढ़ाऊंगी.
नवनीत मैम के पॉइंट में ये चीज रिवाइव हुई कि दो बच्चे बिल्कुल अलग बैकग्राउंड्स के हैं, स्पेशली बैकग्राउंड पे वर्ड पे मैं फोकस कर रही हूँ, दोनों का सोशल बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, इकोनॉमिक बिल्कुल अलग है, कल्चरल भी काफी अलग होगा, इवन दो इन द सेम कंट्री या सेम सिटी रह रहे हैं बट बहुत डिफरेंस उन दोनों में था, बट कहीं देखेंगे तो उनका जो वैल्यू था, तो हमारा बच्चा जो देखेगा इसको या हम जो देख रहे हैं, हम क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहे किस भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, दोनों की वैल्यू सिस्टम बड़ी स्ट्रांग उन्होंने दिखाई कि चलो सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके पास जूता नहीं है दे दिया, उसने ये भी हो सकता है सोचा हो कि यार अब ये ना तो उसके काम का है ना मेरे तक तो पहुंच नहीं रहा, मैं ही फेंक दूं इसको, उसने घर जाके भी फेंकना था, अभी सही जगह फेंक दिया एटलीस्ट कि उसको मिल जाएगा, तो अगर उसने कुछ ज्यादा नहीं भी वैल्यू सोची, कम से कम यही सोच लिया कि मेरे ही किसी काम का नहीं मैं दे दूं, तब भी शेयरिंग वाला एक कॉन्सेप्ट, मतलब मिनिमम शेयरिंग जो मैं कह रही हूँ कि जब हम अपनी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करें वो तो रियल शेयरिंग है, बट जब हम अपनी यूजलेस चीज शेयर ना, हम वो भी पकड़ के बैठे रहते हैं चीजों को कि नहीं हमारे कभी काम आ जाएगी शायद, उतने से भी अगर हम छोड़ेंगे तो बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा। घरों में मैम हम वैल्यूज अटैच कर लेते हैं चीजों के साथ कि ये मेरे दहेज का है, अब वो चाहे टूट गया चाहे कुछ हो गया देन वी कीप अप, लाइक वो सासू माँ हो या मम्मी हो मेरी कैंची हो, सो थिंग्स आर लाइक वो चीज वो रस्टिंग होने लग जाती है, चीजें वहां पड़ी होती हैं बट वो यूज में नहीं आती है, तो इस सिनेरियो से हम बड़ों को भी सीखना चाहिए कि लाइक कार के टायर चेंज किए तो वो टायर रखे हुए हैं, तो वो इट शुड बी उसमें मिट्टी डाल के हम पौधे लगा सकते हैं, उसको गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन नहीं दे डोंट अलाउ ये नहीं उठाने सो वो चीज बदलनी चाहिए। सर आपने हैंड रेज किया था, सर हैंड रेज करते जाएं एक एक करके, तारिक सर आप। मैं तारिक मंजूर खान हूँ कश्मीर से जे एंड के। तो ये जो आपने अभी वीडियो हमने देखा सबने, ये मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये चार दिन का हमारा एक निचोड़ था वहाँ पे, चार दिन मतलब ये कैची था कंटेंट हमारा जो होना चाहिए, दैट शुड बी कैची, उसमें नो टॉक्स थे, मतलब कोई डायलॉग नहीं था, बट इससे हमको पता चला कि डायलॉग के बगैर भी एक कंटेंट बन सकता है और स्ट्रॉन्ग कंटेंट बन सकता है जो बच्चे लाइक कर सकते हैं, जो हम बच्चों के लिए बनाएंगे। दूसरा कि इसमें स्ट्रॉन्ग ये ना क्या इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट थी, स्ट्रॉन्ग क्योंकि जब तक स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग ना हो तब तक हमारा नहीं बन सकता, स्टोरी बोर्ड अच्छा था, वेल प्लानड था, वेल डिजाइन था, दैट्स वीडियो या ये जो फिल्म है वो हिट हो। तो सर हमने यहाँ पे ये सीखा इस वीडियो में कि बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, अगर आपको आज सुबह का सेशन जो एनिमेशन की कॉन्सेप्ट के ऊपर हुआ था उसमें उन्होंने बात की थी स्क्रिप्ट शुड बी स्ट्रॉन्ग, यहां से वो निकल के आ रहा है, आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन मिलेगी कि स्क्रिप्ट अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपकी कोई भी चीज बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो अच्छी नहीं बनेगी। एग्जैक्टली सुमन सर आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी जल्दी एक एक मिनट में बोलेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम निकल रहा है। सुमन सर जी मैम, इस पूरी स्क्रिप्ट के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आई एम रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ ए टीम लाइक दिस। ओके, और ये जो वीडियो था इसकी स्टार्टिंग में जो नीड बताई गई उस बच्चे की कि वो कितना नीडी है लेकिन वो ग्रीडी नहीं है, ठीक है ना, और वो अपना जो हक है उसके अलावा कोई चीज नहीं ले रहा है, आखिर में उसे जूता मिल भी रहा है ना तो वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है, ही इज नॉट इलेटेड, ठीक है, वो लेगा उस जूते को, मना नहीं कर रहा है, और बच्चा जो देने वाला है ना वो भी मजबूरी में नहीं दे रहा है, एक्चुअली वो हैप्पी है, उसके चेहरे पर जो हैप्पीनेस है और जो लेने वाले की चेहरे पर जो एक तरह से कहीं तो एक वो बिल्कुल वो कहीं ना कहीं अंदर से दुखी है कि मैं उसका जूता उस तक पहुंचा नहीं पाया। तो ये जो एक मैसेज है सोसाइटी के लिए, और यहाँ पर मुझे लाइन याद आती है आचार्य विनोबा भावे ने एक बार कहा था कि अगर आपके पास अपनी रोटी है और आप उसे खाते हैं तो ये प्रकृति है, अगर किसी और की रोटी छीनकर खाते हैं तो ये विकृति है, और यदि आप खुद भूखे हैं लेकिन अपनी रोटी किसी और को देते हैं तो वो संस्कृति है, या बांटकर खाते हैं तो संस्कृति है। तो ये कहीं ना कहीं कल्चरल जो वैल्यूज है, ह्यूमन जो वैल्यूज है, एथिकल वैल्यूज है, उनको डिपिक्ट करने वाला एक प्राइसलेस वीडियो, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, थैंक्स फॉर दिस। थैंक यू सर,
गुड इवनिंग मैम, मैं जावेद हसन सोफी बोल रहा हूँ जेएनके से। तो अगर मैं इस वीडियो के हवाले से बात करूं, बेसिकली अगर हम ह्यूमन बीइंग्स को कंपेयर करेंगे मशीन के साथ, तो मशीन में एक फिजिकलिटी होती है, फिजिकल पावर होता है। इसी तरीके से हमें भी फिजिकल पावर होता है, लेकिन हम में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है और, जैसे कि इंटेलेक्ट है, इमोशंस है, और इसी तरह हमारे पास है स्पिरिचुअलिटी है। तो आप देखिए इस बच्चे ने एक, इसके अंदर कितनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुई है कि इसने दूसरे बच्चे का ख्याल रखा है वहां पर। तो इसी तरीके से हमें एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, हमें अपने बच्चों को स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करनी है, ताकि उनको समझ में आए कि हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं। तो मुझे बस इतना ही कहना था इस वीडियो के हवाले से। थैंक यू। हेलो मैम, थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी रामपाल सर से, हरियाणा से। रामपाल सर आप बोले I am Anjali Om again from J&K, and while going through the clip, I could find that there has been, you know, a connection between all human beings. Among all human beings, we have a connection, and that is an emotional bonding. And somehow, by default, when we talk about the digital language, these emotions erupt up. And I had a goosebump while going through the video clip. And telling you honestly, ma'am, what I could feel that yes. We all have an emotional connection, and that needs to be, you know, located and searched for. And this is how this child gets connected to another child, as we all are human beings, and by default, the settings are there by Almighty God, and that gets an eruption and comes out. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Kajal, ma'am. Yes, ma'am. As we all know that the humanity is the basic thing among us. And this video is telling about humanity without any verbal communication. It is the best part of the video. Yes, right. Balgar sir. Kavindra sir bhi kuch kehna chahte the. Kavindra sir ne chat mein likha tha ki मैं इस तरह से बोलना चाहता हूँ मैम कि हमारे इस इलाके में जो बच्चे हैं पूरा पुअर फैमिली के, मोस्टली एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड हैं। मैं आपको भी देख रहा था कि आप भी बहुत इमोशनल हो गए, मैं भी, मेरे भी आंसू आ गए थे। मैं भी खुद मैम पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इससे आपको जॉब लग गई तब ठीक हो गया। पर मैं मैम ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम इन बच्चों को, हम अपने बच्चे समझ के कुछ ज्ञान दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, ताकि वो बच्चे अपने पैर पे खड़े होके कल को, अब वो हमारे स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो जूता हटा हुआ है, कपड़े फटे हुए, हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनको ऐसा ज्ञान दिया जाए कि वो अपने आप ही कुछ कल को मार्केट फील्ड में या कहीं भी जाए तो अपना पैसा कमाए, तो उसको अपना मतलब कहीं ना कहीं अपना जो अपनी हिस्ट्री है वो देख के देखें कि हमें ऐसे थे तो हमें ऐसा करना है। तो इससे ये ज्ञान मिला मैम, कुछ करना चाहिए बच्चों को अपना बच्चे, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे जितने भी टीचर हैं पहाड़ों में, तो उनके बच्चे तो सिटी में है और अपने आप वो बच्चे पढ़ा, तो ये मान के चलना चाहिए हमें कि ये भी हमारे बच्चे। बिल्कुल, यही तो हम मान के चलेंगे तभी हम ई कंटेंट बनाएंगे और बच्चों तक पहुंचाएंगे। उसी के लिए सारी ये जो रची गई है, एक प्लानिंग जो की गई है, उसी के लिए है। हाँ जी सर, जल्दी लास्ट लेंगे अभी। हाँ जी मैं बोलू। हाँ बलगार सर बोलिए, आप ही का है। ड्राइविंग कर रहा हूँ फिर भी बोलना चाहता हूँ, ये जो आपने क्लिप दिखाई, इसका मतलब जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि एनालाइज कर रहे हैं? सर ये शुरू हुआ था एनालाइज करने से उसको, पर बीच में बहुत चीजें आ गई। मैं इसको एनालाइज करने ही निकला था, ये तो इंटरप्रिटेशन पे आ गए सारे, तो मैं सोच रहा था मैं शायद मिस कर गया बीच में कुछ। नहीं नहीं, एक्चुअली इट वाज, एक्चुअली वी वर इवैल्यूएटिंग इट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े, बट बिकॉज सबका एक अलग ही ऑब्जर्वेशन रहा, तो उसको भी, क्योंकि कंटेंट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे इवैल्यूएशन का, तो ये कंटेंट पे ज्यादा फोकस्ड हो गया। जी मैम, जी, ओके ओके मैम, थैंक यू। सो नाउ आई थिंक
जी बिल्कुल, ये शुरू इवैल्यूएशन से हुआ था सर, अभी तो नहीं था इवैल्यूएशन। तो एनीवेज ये जो सेशन था इसका मकसद केवल यही था कि आपको ई कंटेंट इवैल्यूएशन के टूल से, ई कंटेंट इवैल्यूएशन के पर्पस से हम अवेयर करवाएं। अब जो इस सेशन की, अब ये इस वीडियो के साथ हम समाप्ति करते हैं। हमने डिस्कशन भी कर लिया, पहले हमने उसको कंटेंट लेवल पे इवैल्यूएट किया और फिर वैल्यूज लेवल पे भी उसके ऊपर अपनी राय दी, प्रतिक्रियाएं दी। उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम जो बात करेंगे वो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसपे मैं बात करूंगी। वो है, पहला टॉपिक है स्टेट एक्शन प्लान। कुछ लोग इसमें से फमिलियर होंगे इस मुद्दे से। आप लोग यहाँ पे 10 राज्य इस ट्रेनिंग में सम्मिलित हैं। 10 के 10 राज्यों को आपने कल एक स्टेट एक्शन प्लान वैलिडिक्ट्री में प्रेजेंट करना है। स्टेट एक्शन प्लान 3 लेवल पे काम करेगा। पहला है कि आप एक SRG मेंबर बन गए हैं, नाउ यू आर अ स्टेट रिसोर्स ग्रुप मेंबर एज एन इंडिविजुअल। ये वीडियो भी आपने देखा और आपने कहा अपने देश के बच्चों के लिए भी हमें काम करना चाहिए। तो आप एज एन SRG मेंबर इंडिविजुअल लेवल पे क्या करेंगे, इन द सेंस कि क्या आप ई कंटेंट डेवलप करेंगे, ई कंटेंट इवैल्यूएट करेंगे, या आप कैसे अपने स्कूल टीचर्स को, को टीचर्स को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो एक प्लान होगा ये। दूसरा होगा एज अ ग्रुप ऑफ 20, 25, 18, 15 जितने भी एक स्टेट्स हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, मिलके आप क्या कर सकते हो। जैसे आपने एज एन इंडिविजुअल अपने स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग दी कुछ सॉफ्टवेयर पे, हो सकता है कुछ पे आपकी उतनी अच्छी कमांड ना हो, तो अब ग्रुप के तौर पे आप आपस में एक कम्युनिटी बना सकते हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हो, वीकली नहीं तो मंथली एक बार मिलके एक घंटे दो घंटे में कोई एक सॉफ्टवेयर पे आप अपने नॉन टीचर्स को, अपने डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स को, अपने स्टेट के टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हो, जिसमें हमें कोई स्टेट से इंफ्रास्ट्रक्चरल डिमांड नहीं है। क्योंकि जूम का 45 मिनट अकाउंट फ्री है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ट्रेनिंग देनी हो आप उसके माध्यम से दे सकते हो। तो किस तरह से आप एज एन इंडिविजुअल और एज ए ग्रुप ट्रेनिंग कर सकते हो, ई कंटेंट डेवलप कर सकते हो। आप एज ए ग्रुप, आपने बोला कि हम हर सब्जेक्ट के एक महीने में दो दो कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि 20 लोग हैं तो सब्जेक्ट सारे लगभग कवर हो जाएंगे। एज एन इंडिविजुअल आप किसी एक सब्जेक्ट की बात करोगे तो ये ग्रुप का डिफरेंस आपका आएगा। तीसरा है इसके अंदर इवैल्यूएट कंटेंट, कि आप स्टेट पे जो कंटेंट है स्टेट के दीक्षा पोर्टल पे, टेनेंट पे, वो आप इवैल्यूएट करके रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो स्टेट को कि ये कंटेंट रिमूव होना चाहिए, या इस कंटेंट को हमें इम्प्रूव करना है, या ये बहुत अच्छा कंटेंट है इसे प्रमोट करना है कि सब लोग उसे देखें। तो ये हमारे 3 पैरामीटर्स। अब तीसरा जो उस लेवल पे आएगा, इंडिविजुअल, SRG ग्रुप और तीसरा है स्टेट। मान लीजिए SCERT आपको इनवाइट कर दिया है कि आप जुड़े, तो आप किस लेवल पे जुड़ना चाहोगे। आप बोलोगे कि मेरा फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के टीचर है तो मेरा जियोजेब्रा स्ट्रांग है, मैं वो ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। आप कोई कह सकता है कि नहीं, मैं स्टॉप मोशन एनिमेशन पे एनिमेशन वीडियोस बनाने की ट्रेनिंग देना प्रेफर करूंगा। कोई हो सकता है ऑडेसिटी की ट्रेनिंग दे, अजीत सर के सेशन से हम सब इतने प्रभावित हुए कि शायद कोई 2 लोग मिलके सेम प्रेजेंटेशन प्लान कर सकें अपने टीचर्स के लिए। तो स्टेट के साथ मिलके आपको जब अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये आपने एक प्रेजेंटेशन अपना बनाना है। 2 या 3 स्लाइड्स का हो, सॉफ्टवेयर में आप गूगल स्लाइड्स यूज कर सकते हैं, कैनवा यूज कर सकते हैं, H5P का लूमी यूज कर सकते हैं। आपको इतने सारे एप्लीकेशन बताए हैं कि किसी को भी लेके आप अपना प्रेजेंटेशन डेवलप कर सकते हैं। और ये प्रेजेंटेशन केवल 2 से 3 मिनट का होगा, तो आप लोग बहुत स्ट्रिक्टली उसको मेंटेन करना, क्योंकि 10 स्टेट्स हैं वैलिडिक्ट्री में। अगर ज्यादा टाइम लेंगे तो सीधा आधा घंटा तो हमारा वैसे ही जाएगा, हो सकता है वो 1 हो जाए, सभी को डिले होगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल कंटेंट स्पेसिफिक 2 से 3 मिनट का प्रेजेंटेशन आपने बनाना है और वो कल हम प्रेजेंट करेंगे। कल इसके लिए हम आधा घंटा आपको यहाँ पे भी देंगे, ब्रेकआउट रूम्स आपको स्टेट वाइज बना देंगे, जिसमें आप अपने ग्रुप के साथ बैठ के बात करके भी अपने इस स्टेट एक्शन प्लान को डिस्कस कर सकते हो। अब दूसरे मुद्दे पे आती हूँ मैं। दूसरा मुद्दा था हमारा असाइनमेंट का, जिसके लिए बहुत सारे सवाल मैं रोज ही ले रही थी, तो अब मैं उसको जो है थोड़ा सा अनरैप कर रही हूँ आपके लिए। असाइनमेंट आपके बेसिकली 4 होंगे, जिसमें पहला होगा, मैं चैट पे डाल देती हूँ साथ साथ,
मैम व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देना प्लीज, वो तो मैं डालूंगी। पहला है, अभी आप कुछ मत लिखिएगा चैट पे, मैंने अभी अभी डाला है। पहला असाइनमेंट है OER सर्टिफिकेट, जो कोर्स आप कर रहे हो। अभी थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम इनफ टाइम देंगे इसके लिए सो देट आप उसको कंप्लीट कर सको। दूसरा असाइनमेंट है कोई भी आपको इंफोग्राफिक या फिर कॉन्सेप्ट मैप, वो आपको एज ए PDF या JPEG वाले फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। OER सर्टिफिकेट भी आपका या तो JPEG होगा, मतलब इमेज होगा, या PDF फॉर्मेट। असाइनमेंट थ्री है कोई भी एक रिसोर्स, ऑडियो या वीडियो, वो Audacity हो सकता है, वो ओपन शॉट से बनाया हुआ वीडियो हो सकता है, इवन स्टॉप मोशन एनिमेशन का वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हो, MP4 या MP3। फोर्थ असाइनमेंट इज ऑफ योर चॉइस, उसको आपने जो करना है लिंक फॉर्म में अपलोड करना है। बाकी तीन तो प्रॉपरली फाइल फॉर्मेट में अपलोड होंगे, यहाँ पे फोर्थ असाइनमेंट जो है उसका लिंक आपने पेस्ट करना है। तो आपने जो भी रिसोर्स बनाया, इट कैन बी H5P आपने क्रिएट किया, उसका लिंक जनरेट किया, वो यहाँ पेस्ट कर दो। आपने कोई और वीडियो बनाई या ऑडियो बनाया, उसको अपनी गूगल ड्राइव पे डाल के उसको यहाँ अपलोड कर दो, व्यूइंग राइट्स दे करके हमें। एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ रिसोर्स, जो आपने मान लीजिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक में कोई चीज सीखी उसका लिंक, आपने वर्ड वॉल किया उसका लिंक डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हो। सो दैट इज ओपन फॉर ऑल, की कोई भी फिक्स नहीं कर रहे, लिखा है स्टॉप मोशन एनिमेशन या H5P, साथ में ये भी लिखा है और एनी अदर कंटेंट। तो ये आपका बेसिकली चार असाइनमेंट होंगे, गूगल फॉर्म में अभी क्रिएट करके आज रात तक डाल दूंगी, आप लोग आराम से बना लीजिए, सैटरडे संडे को भी बना सकते हैं और उसके बाद सबमिट करें। पर एक चीज याद रखिएगा सर और मैम, सभी को कह रही हूं मैं कि जो कल ट्रेनिंग का रिलीविंग है वो आपकी अटेंडेंस के बेस पे बनेगा। रिलीविंग ऑर्डर हम कोशिश करेंगे, हमारी जो टीम है, रिलीविंग ऑर्डर आपको कल तक मिल जाए। अटेंडेंस होगी तभी मिलेगा, अगर अटेंडेंस नहीं मिली तो फिर देन इट इज अ प्रॉब्लम। और दूसरा है मैडम, आज इवनिंग वाली अटेंडेंस मैम प्लीज शेयर कर, सर्टिफिकेट का जो है वो आपको तब मिलेगा जब आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे, और वो एक नहीं कि मेरा हो गया तो मुझे दे दीजिए, जब सबके असाइनमेंट आ जाएंगे वो क्लोज हो जाएगी डेट, उसके बाद विद इन 1 or 2 days असाइनमेंट्स को एक रिव्यू करके कि हाँ आपके एफर्ट्स जेन्युइन है, उनको देखने के बाद आपको असाइनमेंट, आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाएंगे। रिलीविंग हम पहले ही देंगे क्योंकि हम भी समझते हैं कि एक ऑफिशियल आपका कम्युनिकेशन है, वो सर्टिफिकेट विल बी इशूड अ लिटिल लेटर। सो ये मेरी सारी मेजर अनाउंसमेंट्स थी और सेशन का वाइंड अप था। अब जस्ट वन क्वेरी मैम, आपने मेंशन किया कि फाइल साइज शुड बी 10 MB, सो मैम इट्स विल बी वेरी चैलेंजिंग टू रेंडर वीडियो अप टू 10 MB। मैम इस फाइल साइज को थोड़ा मैम एक्सटेंड कीजिए, क्योंकि अगर हम लो क्वालिटी में रेंडर करेंगे तो लो में ही कर लीजिए। अभी तो आपको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के डेमो की तरह मैं देख रही हूँ, आपका कोई वीडियो अगर थोड़ा बड़ा है आप उसे व्हाट्सएप पे डाल के वापस डाउनलोड करेंगे तो वो छोटा हो जाता है। ये सबसे आसान तरीका है छोटा करने का, किसी भी चीज को, फाइल साइज को रिड्यूस करने का, इमेज और वीडियो के केस में। नहीं तो आप ऑनलाइन रिड्यूस। मैम भरत माली बात कर रहा हूँ राजस्थान से। हाँ जी हेलो मैम, भरत माली बात कर रहा हूँ राजस्थान से, बोलिए। हेलो मैम, एक्चुअली में मेरे साथ मैम प्रॉब्लम ये है कि मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो जो असाइनमेंट्स अभी आपने दिए हैं इनमें टेक्सचुअल जो फॉर्म में जो चीजें होने वाली है वो तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राफिकल जो चीजें हैं जैसे कि लैब वगैरह का यूज, ये सारी चीजें मैम थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, तो फिर असाइनमेंट में क्या रहेगा कुछ? सर आपको जो असाइनमेंट कन्वीनियंट लगे आप वो अपलोड कर दीजिएगा, मैं उसके लिए अरेंजमेंट ऐसा करूंगी गूगल फॉर्म में कि आप अपलोड कर पाएंगे। जी जी मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए मैम, बोलिए मैम। ये OER में मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं उसमें बार बार रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ लेकिन लॉग इन नहीं हो पा रही हूँ। मैम मैंने अभी आपको रिक्वेस्ट किया है कि आप आज एक दो दिन मत ट्राई करिए, उसके बाद आप ट्राई करना, क्योंकि अभी शायद हो सकता है उसका थोड़ा सा सिस्टम लोड हो गया होगा, बहुत सारे पार्टिसिपेंट एक साथ कर रहे हैं, एक दो दिन में करेंगे रिफ्रेश करके अपने सिस्टम को, हो जाएगा। फिर भी दिक्कत आती है तो मैं आई विल बी देयर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप टू असिस्ट यू ऑल फॉर दिस,
छोड़ूंगी नहीं जब तक आपको सर्टिफिकेट ना दे दूं. ओके मैम. मैम यस मैम यस मैम. एक्सक्यूज मी मैम. बोलिए मैम. आई हैव अ क्वेश्चन मैम. मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं. मैंने सेकंड डे से ज्वाइन किया था. तो मैं ये असाइनमेंट्स कर सकती हूं? मैम असाइनमेंट करने में तो कोई मना नहीं करेगा. रिलीविंग और सर्टिफिकेट बाद में डिपेंड करेगा आपकी ओवरऑल अटेंडेंस पे. मैम फर्स्ट डे नहीं अटेंड किया, सेकंड डे किया. आपका नाम क्या है मैम? आपने अपना नाम सैमसंग लिखा हुआ है, मैं नहीं जान सकती. मैम नहीं, मैंने सेंड किया था वो मैम को. मैं दोबारा चैट बॉक्स में डाल देती हूँ. आप रीनेम कर लीजिए ना मैम अपने. कैन आई लीव मैम? भाई साहब हमें थोड़ा दूसरा कर मैम. एक्सक्यूज मी सर. मैम ये वही यार सर्टिफिकेट में गलती से मैंने इग्नोर कर दिया था, तो उसके कोने में इग्नोर आ गया. कोई दिक्कत तो नहीं है क्या सर? मैम वो ईआर जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो गया जब उसका फॉर्म पहले भर रहे थे ना, तो उसमें मैंने क्योंकि मैंने बीएड इग्नोर से किया था, पता है स्टूडेंट, मैंने उस पे क्लिक कर दिया था तो कोने में इग्नोर आ गया. कोई बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दूसरा अच्छा दूसरा तो मैंने ऑडिसी का और ओपन शॉट नहीं बना रहे मुझे. और थर्ड क्या बताया था आपने? सर मैं अभी लिखा हुआ आपको भेज रही हूँ, सारी चीजें आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाएंगी. असाइनमेंट जो आपने दिया है ना फोर्थ, दैट यू नीड टू जनरेट अ लिंक. लाइक वी हैव प्रिपेयर्ड वीडियोस ऑन अदर एप्स ऑल्सो, कैन बी शेयर दैट ऑल्सो? ट्रेनिंग है जो नहीं नहीं मैम, जो ट्रेनिंग में अभी करवाया मैं उन्हीं में से आपको ऑप्शंस दी है. ऐसा तो नहीं है हर एक का देना ही है, तो अभी ट्रेनिंग में से जो आपको सूटेबल लग रहा है वो आप दे दीजिए. ओके ओके मैम. मैंने अपना नाम रीनेम कर दिया है. ठीक है मंजुषा मैम. ओके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे मैम असाइनमेंट्स? हाँ हाँ मैं डालूंगी डालूंगी मैम. ठीक है मैम. मैं रविंद्र परिया राजस्थान से. बोलिए सर. मैम मेरा वही ओईआर लॉगिन में इशू हो रहा है. मैंने कितनी बार ट्राई कर लिया. आप थोड़ा दिन एक आध दिन रिलैक्स, एक दिन वेट करके फिर करिए रिफ्रेश करके. आई होप हो जाएगा, नहीं तो आई विल अपडेट यू ऑन द व्हाट्सएप आल्सो. मैं गाइड करती रहूंगी. और मुझे असाइनमेंट दिए थे उनको किन फॉर्मेट्स में आपको सबमिट करने हैं मैम? सर अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपका पहला और दूसरा इमेज या पीडीएफ होगा, उसके बाद ऑडियो वीडियो MP3 या MP4 में होगा, और चौथा जो है वो लिंक है एक, वो कोई भी हो सकता है आपका असाइनमेंट. पीडीएफ ऑडियो वीडियो जो भी, उसका लिंक जनरेट करके आप गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक दे दीजिए. मैम लास्ट डेट क्या होगी इसकी असाइनमेंट्स की? लास्ट डेट आपको टाइम दिया जाएगा मैम, डोंट वरी. थैंक यू मैम. कल के कल नहीं मांगेंगे आप. वी विल गिव यू 2-3 days 4 days फॉर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट्स. थैंक यू. ओवर टू प्राची मैम. थैंक यू सो मच मोनिका मैम फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन. सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम नेक्स्ट डे समरी प्रेजेंट करते हैं जो सेशन